उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त जो है वो तय हो गया है। 15 नवंबर को भाई दूज के पर्व पर धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 11:57 पर कपाट बंद होंगे। तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना के बाद मुहूर्त निकाला है। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे। वही कपाट बंद होने के बाद खरसाली में माँ यमुना की पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का जो शुभ मुहूर्त है वो बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को है, क्योंकि उस दिन भाई दूज है और भाई दूज के मौके पर ही यमुनोत्री धाम के कपाट को बंद किया जाएगा। सुबह 11:57 पर ये कपाट बंद होंगे बताया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि शीतकाल में 6 महीने के लिए इस कपाट को बंद किया जाता है। और बात करेंगे मौसम के मिजाज की, तो उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ ही पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है, जबकि मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। उत्तरकाशी में सुबह खोली देहरादून सड़क खस्ता हाल है। 1.5 साल से अलमस बैंड के पास पुल बन रहा है, लेकिन पुल का काम काफी सुस्त गति से चल रहा है, जिसकी वजह से रोड भी खराब है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुल बनने की वजह से लोग वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जोखिम से भरा हुआ है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से हादसे का खतरा बना रहता है। कोई अप्रिय घटना इस सड़क पे हो सकती है और कई गाड़ियों को नुकसान हो गया। कच्ची सड़क है, जगह जगह गड्ढे हैं और इतना छोटा सा पुलिया 1.5 साल लग गया, तो विकास के जो जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं उसमें कितना समय लगेगा, ये एक इसकी मिसाल है। ये सामने जो हम देख रहे हैं अलमस के पास जो पुल बन रहा है, उसको कई दशक हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं अभी तक वो पुल नहीं बना है। इस मार्ग की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, यात्रियों को, उत्तरकाश जाने वालों को और देहरादून जाने वालों को जो बहुत परेशानी हो रही है। इस मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। ये बड़ी विडंबना है कि 2 साल में तक भी, अभी 2 साल होने के बावजूद अभी ये तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में सूर्यकुंड को जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि कई आश्रम, वन विभाग, GMVN का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से पूरे रास्ते की दीवार टूट चुकी है। वहीं पुरोहितों ने जिला प्रशासन से जल्द मार्ग बनवाने की मांग की है। रात को राष्ट्रपति भवन, सूर्यकुंड, आर्ट गैली, दंडी आश्रम, PDD गेस्ट हाउस की ओर जाने वाला रास्ता केदार गंगा पुल के पास क्षतिग्रस्त हो गया। जो सारी दीवार है वो टूट गई, उसमें भी एक पेड़ निकल गया है और दूसरा पेड़ भी अभी और निकलने की कगार पर है। अगर वो पेड़ भी निकलता है तो वहाँ पर रास्ता भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और सूर्यकुंड की ओर जाने, राष्ट्रपति भवन की ओर और वन विश्राम गृह में जाने वाले यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।